जाए तो ये प्रधानमंत्री विकास कार्यों का कि किस तरह से केदारनाथ की जो ये घाटी है, यहां पर हम जानते हैं जो विभीषिका केदारनाथ घाटी ने झेली थी उसके बाद किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होती है, जिस तरह के रोपवे का हम जिक्र कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी समय की बचत उन श्रद्धालुओं के लिए होगी। तो किस तरह से ये बनकर तैयार होगा, देखिए ये जो यहां पर भवन बनाए जाएंगे या ये चौड़ीकरण जो किया जा रहा है उसका जायजा खुद लेते हुए प्रधानमंत्री की ये जो कार्य है, ये जो विकास कार्य जिनको लगातार सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है, तरजीह देती है, आखिर वो विकास कार्य और वो प्रगति के कार्य कहां तक पहुंचे हैं, क्या मिशन मोड में उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार मिलकर जो काम कर रही है वो कितना आगे गया है, इसका जायजा लेते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 3400 करोड़ रुपए इसकी अधिक से जो कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, क्योंकि देखिए जो तमाम ये धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम बात केदारनाथ की करें, हम बात करें बद्रीनाथ की, इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि कनेक्टिविटी का इशू हमेशा से रहता है और उस कनेक्टिविटी के इशू को खत्म करने के लिए जिस तरह से इस रोपवे की आधारशिला रखी गई है और ये तमाम विकास कार्य जो उससे जुड़े हुए वहां पर किए जा रहे हैं उनका आगे बढ़ना मिशन मोड में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार के असीम संभावनाओं के आकाश खोलेगा और किस तरह से वहां रह रहे लोगों को सुगमता होगी, वहां जाने वाले लोगों को सुगमता होगी, इसकी एक बांगी हम देख सकते हैं। तो केदारनाथ रोपवे जिस तरह से हमने बताया कि करीबन 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा, ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। वर्तमान में हमने आपको बताया 6 से 7 घंटे का समय मात्र कितना रह जाएगा, 30 मिनट का। और प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ वहां चल रहे जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा से पहले देखिए जो श्रमिक हैं उनसे संवाद किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। सहज सरल स्वाभाविक तरीके से तमाम श्रमिक, हमने देखा था कि कर्तव्य पथ जिन्होंने बनाया था उन श्रमिकों के साथ भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया था, संवाद करके उनके एहसास उनके और अनुभव को साझा करते प्रधानमंत्री विकास कार्यों का कि किस तरह से केदारनाथ जो ये घाटी है, यहां पर हम जानते हैं जो विभीषिका केदारनाथ घाटी ने झेली थी उसके बाद किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होती है, जिस तरह के रोपवे का हम जिक्र कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी समय की बचत उन श्रद्धालुओं के लिए होगी। तो किस तरह से ये बनकर तैयार होगा, देखिए ये जो यहां पर भवन बनाए जाएंगे या ये चौड़ीकरण जो किया जा रहा है उसका जायजा खुद लेते हुए प्रधानमंत्री की ये जो कार्य है, ये जो विकास कार्य जिनको लगातार सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है, तरजीह देती है, आखिर वो विकास कार्य और वो प्रगति के कार्य कहां तक पहुंचे हैं, क्या मिशन मोड में उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार मिलकर जो काम कर रही है वो कितना आगे गया है, इसका जायजा लेते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 3400 करोड़ रुपए इसकी अधिक से जो कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, क्योंकि देखिए जो तमाम ये धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम बात केदारनाथ की करें, हम बात करें बद्रीनाथ की, इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि कनेक्टिविटी का इशू हमेशा से रहता है और उस कनेक्टिविटी के इशू को खत्म करने के लिए जिस तरह से इस रोपवे की आधारशिला रखी गई है और ये तमाम विकास कार्य जो उससे जुड़े हुए वहां पर किए जा रहे हैं उनका आगे बढ़ना मिशन मोड में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार के असीम संभावनाओं के आकाश खोलेगा और किस तरह से वहां रह रहे लोगों को सुगमता होगी, वहां जाने वाले लोगों को सुगमता होगी, इसकी एक बांगी हम देख सकते हैं। तो केदारनाथ रोपवे जिस तरह से हमने बताया कि करीबन 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा, ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। वर्तमान में हमने आपको बताया 6 से 7 घंटे का समय मात्र कितना रह जाएगा, 30 मिनट का। और प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ वहां चल रहे जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा से पहले देखिए जो श्रमिक हैं उनसे संवाद किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। सहज सरल स्वाभाविक तरीके से तमाम श्रमिक, हमने देखा था कि कर्तव्य पथ जिन्होंने बनाया था उन श्रमिकों के साथ भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया था, संवाद करके उनके एहसास उनके और अनुभव को साझा करते प्रधानमंत्री।